आज हम बनाते हैं सैंडविच की चटनी। बहुत टेस्टी चटनी इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत इजीली हम इसे बना सकते हैं। और हर तरह के सैंडविच में, चाहे आप वेजिटेबल सैंडविच बनाएं, तवा सैंडविच बनाएं या वेज चीज ग्रिल सैंडविच बनाएं, सभी सैंडविच में ये चटनी बहुत काम आती है और इस चटनी से हमारे सैंडविच का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो इस चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया, ये लिया है मैंने 2 बंच हरा धनिया, साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 बंच पुदीना, यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कटोरी फ्रेश दही और 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने भर कर लिए है बूंदी के, ये जो नमकीन बूंदी होती है सॉल्टेड वही बूंदी है। यहाँ पर मैंने ली है हरी मिर्च, ये 7 से 8 छोटी वाली हरी मिर्च है, ये बहुत तीखी है, और 2 मैंने ली है कम तीखी मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। यहाँ पर चटनी को अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैंने लिया है 1 पिंच जितना साइट्रिक एसिड, इसे नींबू का फूल भी कहते हैं। चटनी में नमक हम हमारे स्वाद के अनुसार यूज करेंगे। यहाँ पर चटनी बनाने के लिए हम मिक्सी जार में सबसे पहले लेते हैं हरी मिर्च। यहाँ पर है मेरे पास हरा धनिया, इसे ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है मैंने, साथ ही इसी में मिक्स कर देते हैं हम पुदीना। इसी में हम ऐड करेंगे हमारा दही। दही डालने से हमारी चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें जो थिकनेस आती है वो दही से ही आती है। साथ ही हम डालेंगे इसमें बूंदी। बूंदी की जगह आप भावनगरी सेव भी डाल सकते हैं या कोई भी फीकी सेव डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसमें साइट्रिक एसिड। यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारी सैंडविच की चटनी बनकर तैयार हो गई है। कितना बढ़िया कलर आया है हमारी चटनी का और बहुत बढ़िया क्रीमी टेक्सचर वाली चटनी बनी है। ये देखिए, इस तरह की चटनी जब हम हमारे सैंडविच में यूज़ करते हैं तो हमारे सैंडविच का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बनाई है सैंडविच के लिए स्पेशल चटनी।